1, 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग गर्म पानी में और गर्म पानी हम लोग पिकनिक करने आए हैं। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और आज 1 जनवरी है, इसी कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हम लोग हर बार प्रत्येक साल यहाँ पे आते हैं, जब भी पिकनिक होती है हम लोग यहाँ आते ही हैं और प्रत्येक साल यहाँ हम लोग आते हैं और यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादातर आदमी जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल से आते हैं और सभी के सभी यहाँ पे आकर के पिकनिक करते हैं, खाना बनाते हैं। अरे बने रहो पगला, काम करेगा अगला। दोस्तों आज रजा का बर्थडे भी है और हम लोग बर्थडे के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किए हुए हैं। थोड़ा केक वेक काटेंगे अभी। बर्थडे मैं वीडियो बना रही बस तब बोलो यहाँ देसी स्टाइल में मार को पसाया जा रहा है। दोस्तों इधर पे चिकन है, चिकन का जुगाड़ है और सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे पापड़ तल लेंगे क्योंकि इससे तेल की बचत होगी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पापड़ को तल रहे हैं। अभी इधर पे पापड़ है, अभी यहाँ पे पापड़ तलना स्टार्ट हो गया है। सब लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग चिकन बनाने के लिए यहाँ पे प्याज को भून लिए हैं और अभी हम लोग चिकन को बनाने वाले हैं। आज हम लोग चिकन और भात बना रहे हैं, देसी स्टाइल में आज हम लोग बना रहे हैं। तो अभी इसका कारीगर यहाँ पे लकड़ा पाड़ी का मिठुन, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसे। शाहनवाज अंसारी उर्फ मिठुन है इनका नाम और मेन नाम इनका जो है वो शाहनवाज अंसारी है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन को बनाते हैं। ये जो बावर्ची है ना, मिलेगा नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है, बावर्ची मिलेगा नहीं इनका कहना है। ये बाहर से सीख के आए हैं, कहाँ सीख लिया? और यहाँ पे देसी स्टाइल में भी हम लोग जो चिकन का पेर है उसको भी हम लोग खाएंगे। बहुत ही टेस्ट लगता है इसको खाने में दोस्तों। आपको भले ही थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगेगा देखने में, लेकिन देहाती स्टाइल में इसको बहुत ही मजे तरीके से खाया जाता है। दोस्तों अभी यहाँ पे चिकन जो है भुनना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो करीब 5 किलो है। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। यहाँ पे चिकन बनकर तैयार हो रहा है धीरे धीरे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे शाहनवाज काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इसका हाथ बटा रहा है यहाँ पे लडुआ। हम लोग के फेमस प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। और चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही चुका है। हल्दी डालने चाहिए, अभी यहाँ पे हल्दी डाला जा रहा है। हल्दी नहीं है,
मसाला है। कौन सा मसाला है भाई? चिकन मसाला है ये। और अभी हम लोग चिकन मसाला को डालेंगे जिससे कि थोड़ा बहुत कलर आएगा। कलर यहाँ पे आप लोग को भी येलो लग रहा होगा। अभी यहाँ पे चिकन मसाला डाला जा रहा है और अभी थोड़ा बहुत रंग अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आप लोग पिकनिक करने आते हैं तो गैस चूल्हा नहीं लाइएगा, क्योंकि लकड़ी का यूज कीजिए। लकड़ी में ज़्यादा स्वाद होता है, शानदार अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। और पिकनिक का स्वाद जो है लकड़ी से ही होता है। अभी यहाँ पे हल्दी डाला जा रहा है, और हल्दी पहले नहीं डाला गया था, अभी यहाँ पे हल्दी डाला जा रहा है। अब चिकन अच्छा दिखेगा। यहाँ पे कलर आए, चिकन का कलर धीरे धीरे यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। और मुझे लालच भी आ रही है धीरे धीरे। जेके यहाँ पे अभी मिर्च डाला जा रहा है, जेके कंपनी का। और ये नमक डाला जा रहा है, अभी ज़्यादा मत डालना रे भाई। हो गया डाला नमक। अभी यहाँ पे नमक डाला जा रहा है। नमक को नहीं डाला गया था पहले। मेरे ने इतना डाला, इतना दिए हैं पहले जी। चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग इसको ढक देंगे और देखते हैं चिकन कैसा बनता है। दोस्तों, अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं क्योंकि एक बज चुका है और खाना हम लोग को बन ही गया है। और अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं सीधे गर्म पानी में। इधर पे पहले ही जगह बुक हो गया था दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है बाद में आए थे, थोड़ा बहुत लेट करके आए थे, करीब 11 बजे तक। तो इधर पे पहले ही जगह बुक हो गया है, देख सकते हैं पूरा आदमी है इधर पे। इधर पे यहाँ पे फोर्स भी है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे लोचा लफड़ा होते रहता है, इसीलिए पहले से ही यहाँ पे पुलिस तैनात है। यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आज यहाँ पे मिनी मेला बोल सकते हैं इसको, और पिकनिक के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों, देख सकते हैं बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं। और हम लोग भी पूरा फॉरेन स्टाइल में चल रहे हैं जिससे हम लोगों को कोई पहचान ना पाए कि ये लोग लोकल से ही है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे लोग नहा रहा है, पूरा भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे लोग पैसा उठा रहा है, यहाँ पे बहुत कोई पैसा भी फेंकते हैं, तो लोग सबको पैसा उठाने को कोशिश कर रहा है। जितना भी बच्चा है सबको पैसा उठा रहा है यहाँ पे। और ये छोटा वाला तालाब है, में थोड़ा हल्का कम गर्म पानी है इसमें। दोस्तों, अभी हम लोग नहा के तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग जो है लंच करने वाले हैं। अभी जो है 2 बजे हुए हैं और अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। यहाँ पे एक सुविधा ये है कि यहाँ पे बहुत ही नज़दीक में चापाकल है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग के करीब में, बहुत ही करीब में यहाँ पे चापाकल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और हम लोग को पानी का यहाँ पे असुविधा नहीं हुआ है। दोस्तों, हम लोग पिछले बार भी यहीं आए थे पिकनिक करने के लिए, और इस बार भी हम लोग यहीं पे आए हैं। और यहीं पे आके जो है रजाक का केक कटा था, बर्थडे केक, और इस बार भी यहीं पे केक कटा है। तो अभी हम लोग अगले साल भी यहीं पर आने का कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, तैयारी हो रहा है,
चलिए फिर। यहाँ पे हम लोग का लंच रेडी हो चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे शानवाज अंसारी निकाल रहे हैं, सरताज यहाँ पे फिनिश करने में लगे हुए हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं लंच के बाद। चिकन बहुत ही स्वादिष्ट बना है मैं पहले बता देता हूँ, और ग्रेवी भी ठीक ठाक है। दोस्तों अभी हम लोग पिकनिक कर चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे आगे। हम लोग डीजे वीजे बज रहा है, देखते हैं, हम लोग डांस भी करने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं। अगर आप लोग इस साल प्लानिंग नहीं कर पाए यहाँ आने के लिए, तो आप अगले साल यहाँ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है, आप पिकनिक कर सकते हैं आके, और ज़्यादा हो हल्ला यहाँ पर नहीं होता है, बहुत ही कम डीजे आता है यहाँ पर, दो चार डीजे। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। Thank you.